हम बनाते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, वो कुछ काम नहीं आता है। लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो। बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। मैं बहुत दिनों बाद ऐसा लॉन्ग व्लॉग लेके आ रही हूँ, बड़ा व्लॉग लेके आ रही हूँ, वरना मैं मिनी व्लॉग ही अपलोड कर रही थी तो कुछ दिन से। तो आपने मिनी व्लॉग को ही बहुत सारा रिस्पॉन्ड, अच्छा रिस्पॉन्ड दिया है, तो मैंने सोचा चलो डेली व्लॉग करते हैं। सो अगर जिसको मैंने न्यू ईयर की विश नहीं की, तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हमेशा अच्छे से रहे और पॉजिटिविटी के साथ ये साल को आप आगे बढ़ाएं। जैसे मैंने इस साल, मैंने सोचा मैं पूरी पॉजिटिविटी पॉजिटिव रहूंगी, मोटिवेट रहूंगी, पता नहीं मैंने ऐसा सोचा है, बट देखते हैं। क्योंकि उतना आप जो हम बनाते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, वो कुछ काम नहीं आता है, सीरियसली कुछ काम नहीं आता। तो मैंने सोचा जो चल रहा है बस उसी पे मेहनत करते रहो और उसी पे आगे बढ़ो। मुझे ना जाना है मार्केट, कुछ कुछ सामान वगैरह लेना है, तो क्योंकि मैं एक दो दिन में बस निकल रही हूँ भुवनेश्वर, तो उसके लिए कुछ कुछ सामान था जो मैंने बैग वगैरह स्टिच करने दिया था, कुछ कुछ था, तो अभी हम जाएंगे। और ना ये एक मैंने वुडन कोम्ब लिया था, ये पता है बहुत अच्छा है, मतलब एज कम्पेयर टू प्लास्टिक वाला कंघी से अच्छा मेरे को लगता है ये वाला है। तो इसमें ना बाल वाल भी अच्छे से रहते हैं, पर झड़ तो ऐसे भी रहे हैं, तकलीफ हो जाने वाली हूँ मैं बहुत आवाज वाल से, बट फिर भी आई थिंक ये वाला ना आप यूज़ कर सकते हैं वुडन कोम। ये नीम का कोम्ब है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम जा रहे हैं वॉक करते करते, एंड वॉक करना इज़ वेरी गुड। तो अभी हम आ गए हैं मार्केट, और आज मार्केट ना बहुत ही खाली खाली है, पता नहीं क्यों, हमेशा ये ना बहुत भीड़ से भरा रहता है, बट आज बहुत ज़्यादा ही खाली है। और ये मार्केट ना हमारे घर के थोड़े नज़दीक ही है, तो हम इसीलिए वॉक करते करते आ जाते हैं। और हमें कुछ घर के लिए सामान चाहिए था, पूजा का सामान चाहिए था, तो हमने दिया वगैरह ले लिया, फूल ले लिया। फिर हम यहाँ आ गए हैं एक और शॉप। एक्चुअली हमारे ना पूजा रूम के लिए घंटी वगैरह लेना था, तो मेरी मम्मी यहाँ पे सारे घंटी बजा बजा कर देख रही है कि कौन सा ज़्यादा साउंड कर रहा है, और फिर हमने एक अच्छा वाला ले लिया है। अभी हम घूम रहे हैं कागल नगर मार्केट, जो कि कहाँ मिलेगा। और ये है मेरे दादाजी और ये है मेरी दादी। मेरा नाश्ता आ गया है तैयार। मुझे ना चाय पराठा बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं खा रही हूँ चाय पराठा। तो मैं अभी बोलूंगी दादी बोलो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो भाई अब मेरी दादी बोल दी, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, प्लीज। तो अगर आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, ऑब्वियसली यूट्यूब में जाएगा तो यूट्यूब पे ही देखेंगे ना। तो आप मेरे रील्स को मुझे इंस्टा में फॉलो करें, द सोनल सिंह, एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि मैं ना सोच लिया मैंने यूट्यूब पे, पहले मैं क्या करती थी ना, यूट्यूब में रील्स वगैरह सब पोस्ट कर देती थी जो इंस्टा में करती थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इंस्टा में सिर्फ रील्स वगैरह डांस वगैरह वो पोस्ट करूँगी, और यूट्यूब में सिर्फ मैं व्लॉग्स डालूंगी। तो जो लोग मेरे इंस्टा में हैं वो मुझे देखना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, तो वो मेरे यूट्यूब पे आ सकते हैं मुझे देखने के लिए और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग देखना चाहते हैं कि मैं डांस वगैरह रील्स वगैरह वो सब देखना चाहते हैं, तो वो इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हैं। बस अभी मैं आ गई हूँ नहा कर। पता है हमने यहाँ पे ना ये जाली वगैरह लगा दिया, क्योंकि ना मतलब इतने कबूतर आते मतलब परेशान कर देते बालकनी में आने ही, मतलब जीना हराम कर देते बालकनी में आने का। तो अभी मैं अपने बालों को अच्छे से सुखा रही हूँ, और क्या बताऊँ यार, इतने बाल झड़ रहे हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लो। मैं मतलब थोड़ा सा भी करूँ तो यहाँ इतना टूट रहा है मेरा बाल। फिर मैंने सिरम वगैरह लगा लिया, और अभी मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि शाम हो गई है, तो शाम में चाय पीना इज़ मस्ट। तो अभी हम करने वाले हैं स्पाइसी नूडल्स चैलेंज, और मेरे साथ है मेरा भाई वीर। तो हमने सोचा कि ये नूडल्स रखा था, तो हमने सोचा कि चलो करते एक चैलेंज, कौन कितने पानी में है। क्योंकि ये ना हमेशा कहता है कि मैं तीखा खा लेता हूँ, मिर्ची खा लेता हूँ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है हम नूडल्स की चैलेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है रामेन हॉट एंड स्पाइसी कोरियन वेज फ्लेवर। भी हो जाए दीदी, मेरे से तो नहीं जीत पाए। तो अभी हम सबसे पहले जितना मेरे को, दीदी आप कुछ भी कर लो जीतूंगा तो मैं ही। वो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो मैं ही खाऊंगा, वक्त बताएगा। तो ये हमारा प्लेट नूडल्स का, दोनों में मैंने बराबर से डाला है, और अभी हम लोग करेंगे चैलेंज और देखते हैं कौन जीतेगा, और जो जीतेगा
वो जो हारने वाला उसको अच्छा खासा ट्रीट देगा, जो हारेगा वो जीतने वाले को अच्छा खासा ट्रीट देगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारा नूडल्स, देखते कौन खत्म करता है। और पानी नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ही खत्म करना होगा। लेट्स सी कम। तो ये रहा, मम्मी पूजा कर रही है तो हम शायद पूजा के बाद करेंगे। थ्री टू वन। बहुत ही तो गाइस फाइनली मेरा भाई जीत चुका है ये चैलेंज। भाई बहुत हैट्स ऑफ, और इसे मेरी तरफ से मिलेगी एक ट्रीट। तो या दैट्स इट, चाहिए नो 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 या दैट्स इट, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।